ना दिवाली की छुट्टी आती है, घर की याद। तो फिलहाल सुबह के बजे हैं अभी 5 मॉर्निंग में, हमारा कमिटमेंट था 6 बजे जाने का, नहीं सुबह 4 बजे जाने का, 1 घंटा पहले, और हम लोग 1 घंटा तो लेट हैं क्योंकि सुबह मॉर्निंग में उठना हो गया था थोड़ा मुश्किल। सो गाइस दिस इज आदि, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आदि व्लॉग्स। तो फिलहाल मैं रहता हूँ लखनऊ में, आपको पता है घर हमारा पहाड़ों में, लेकिन अभी आज है सैटरडे, संडे के एक दिन पहले वाला, कल का दिन इतना बिजी था, निकलना कल शाम था, लेकिन क्या है कि जब मैं रात में ही घर तक दे पहुँचा, थोड़ा मतलब कंपनी का जो कुछ काम होता था वो निपटाते रात के 10 ऐसे ही बज गए, वरना मैं अभी रात में निकल रहा था। वैसे ज़्यादातर मैं प्रेफर करता हूँ रात में, क्योंकि रात के ना ट्रैफिक थोड़ा कम रहता है, और या तो मॉर्निंग में निकलता हूँ जल्दी। मॉर्निंग में अभी क्या है, हम लोग को जो वाले एरिया है जहाँ पर ट्रैफिक रहता है, वो एरिया हमारे हरदोई तक क्रॉस हो जाएंगे। जो रास्ता है वो है लखनऊ से सीतापुर रोड पर हरदोई, और आपका शाहजहाँपुर बरेली से, लेकिन हम लोग आज जा रहे हैं नैनीताल, मतलब अपनी कार से। अगर आपको अपनी गाड़ी से नैनीताल जाना है तो ये रास्ता देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा और टाइम पे भी आप नैनीताल पहुँच जाएंगे। बाकी आपको मालूम है नैनीताल जाने के लिए लखनऊ से चलती है ट्रेन, एक चलती है बाग एक्सप्रेस और दूसरी चलती है काटना एक्सप्रेस, और बस भी केसरबाग स्टेशन से आपको हल्द्वानी या काठगोदाम तक आराम से मिल जाएगी, वहाँ से फिर आप टैक्सी करके नैनीताल जा सकते हैं। तो आज देखते हैं लखनऊ टू नैनीताल का वे। तो अभी हम फिलहाल चल रहे हैं पुराने लखनऊ में। इस बार क्या है कि इस रास्ते में ट्रैफिक नहीं था, तो हम लोग वाया आपके ये इमामबाड़ा वाले रास्ते जा रहे हैं हरदोई की ओर को ये साइड, लेकिन थोड़ा कोहरा बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। ये जो आप रोड देख रहे हैं जहाँ पर ईट वाई रोड, मतलब वो आपका लखनऊ का इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा वाला हिस्सा है पुराना लखनऊ का। निहारिका को मैं इस रास्ते देखा था, निहारिका को ना गार्डनिंग का शौक है, गार्डनिंग का शौक है, तो इस रास्ते आके खुश आती है, क्योंकि इस रास्ते में ना बहुत सारे के नर्सरी बढ़ती है, उसमें अलग टाइप के फूल लगे रखे हैं। आप लखनऊ के मतलब जितने फूल हैं ये सारा का सारा यहाँ से आता है, क्या बोलते हैं इसका नाम, मलियाबाद। यहाँ इतनी नर्सरी है दोनों ओर, और एक एक वैरायटी के फूल उस नर्सरी में आपको, और पेड़ जितने भी हैं मतलब अच्छे अच्छे कैटेगरी के वो सारे यहाँ मिलते हैं। तो निहारिका यहाँ के आती है, खुद देखो ये दान, देखो फूल देख के तो ऐसा हो जाता है कि पागल हो जाएंगे। हम लोग 2-3 बार से सोचते हैं कि यहाँ से रोज़ फूल लेके जाएंगे, लेकिन हम यहाँ से अभी तक फूल लेके नहीं जा पाए, लेकिन इस बार ठीक है, इस बार पक्का, इस बार 3री बार है, ठीक इस बार 4 फूल लेके आएंगे, ठीक है। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. ये रास्ता तो है मतलब काफी अच्छा, लेकिन क्या है कि पिछले बार जब हम लोग जा रहे थे ना घर को, जब हम घर को जा रहे थे तो उस दिन क्या हुआ कि अचानक से गाड़ी आई और गाय आई और गाय से टकरा, गाड़ी से मतलब गाय टकरा गई, मतलब बहुत सारी गाय दौड़ते हुए आई और अचानक टकरा गई, तो उस दिन से मतलब एक मन में डर रहता है। अभी क्या है कि पूरे मतलब नॉर्थ में ना सबसे ज़्यादा ये दिक्कत है गाय वाला। अभी आप सोचिए हम लखनऊ से हरदोई क्रॉस कर लिया है, शाहजहाँपुर करीब आपके 30 या 40 किलोमीटर और बचा होगा, तो वहाँ तक अभी तक नहीं भी होंगे तो 1-1.5 हज़ार गाय रोज से पहाड़ी हाईवे पर, बाकी गाँव की तो बात आप छोड़ दो, मतलब जो लोगों ने छोड़ दी, तो गवर्नमेंट के लोग, गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए उसके लिए, पता नहीं कुछ कर, गवर्नमेंट शायद कर नहीं रही, क्योंकि फार्मर का नुकसान भी करती हैं गायें, और वैसे भी है पीछे पॉलिसी लेके आई थी गवर्नमेंट की, भैया सब लोग के पशु चिंतित होंगे, लेकिन क्या है कि लोगों ने जैसे गाय ने दूध देना बंद कर दिया छोड़ दिया, बैल बूटा वगैरह छोड़ दिया, फिर अधिकता ऐसी है कि मतलब जब से ट्रैक्टर आए हैं तब से क्या है कि अब बैलों की जरूरत ही नहीं, तो मोस्टली रोड पे बैल जाता है, तो ये कंडीशन है। रास्ता देखिए आप कितना खूबसूरत है, ये मतलब क्या है कि इसमें टोल टैक्स आपको पड़ेगा ही नहीं, टोल टैक्स नहीं पड़ेगा तो टोल टैक्स से आपका पूरा बच जाएगा। बरेली से बरेली के आने के लिए तो रास्ता बड़ा अच्छा है, बरेली से कोई टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और हाईवे आप देखो है सही, बस हो गया बीच में थोड़ा सिंगल है, लेकिन सिंगल इतना बुरा नहीं है, सुबह शाम आने के लिए तो बहुत अच्छा है, मतलब जब ट्रैफिक थोड़ा कम रहता है तो उस टाइम आने के लिए रास्ता सबसे अच्छा, क्योंकि सीतापुर वाले रास्ते में बहुत सारे डाइवर्जन है, इतने डाइवर्जन है कि आप डाइवर्जन क्रॉस करते 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 आपकी अगर हाथ खराब हो जाएगी, लेकिन ये रास्ता है कि काफ़ी खूबसूरत है और खूबसूरत गाँव है चारों ओर, तो आप आराम से पूरा
रास्ते का एंजॉय करते हुए अपने डेस्टिनेशन में जा सकते हैं। तो निहारिका में बैठे हैं सहरा मऊ, तो हमने करीब 180 किलोमीटर 3 घंटे में कवर किया है। अब सहरा मऊ हवा में बैठे हुए, अभी तक बेटा आया नहीं। निहारिका की शक्ल देखो, बगैर नाश्ता किए कैसे होगी। वो रास्ते पर सोचते हैं कि अब गाड़ी रुकेगी तो नाश्ता का, लेकिन ड्राइवर साहब ने गाड़ी रुकी है बहुत देर बाद। तो अभी देखते हैं नाश्ता कुछ ऑर्डर किया है, मीट कुछ ऐसा है सब्जी, मतलब है ठीक है रेट रेट। अभी देखते हैं कुछ ऑर्डर करते हैं, फिर दिखाता हूँ आपको यहाँ का ब्रेकफास्ट। तो भाई आ गया है, देखिए सब्जी, चटनी, अचार और पराठा खा के देखते हैं, फिर मिलते हैं ऑन द वे। खाई वे कोई निहाई करके टूट पड़ी है बिल्कुल ये। तो ये सामने है सहरा मऊ ढाबा जहाँ हम रुके हुए थे। अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। ढाबा काफ़ी अच्छा है, बहुत लंबा है अंदर, इसमें अलग अलग लोग के होंगे, मतलब जो भी है 3-4 लोग अलग दुकान है। तो कैसा लगा? अच्छा है। यकीन मानिए स्टफ पराठा स्टफ्ड था पूरा, मतलब काफ़ी स्वादिष्ट। और हाँ मतलब हम लोगों ने सोचा कि आलू का पराठा लिखा था 80 रुपये, तो मैंने खाली सादा पराठा लेके आएंगे नहीं, लेकिन सब्जी चटनी अचार ये सब डाल के वो लोग लेके आए, और मतलब काफ़ी स्वादिष्ट था, मतलब ऐसा नहीं है। फिर हमने एक वो आलू प्याज का पराठा खाया, और एक फिर ट्राई करने के लिए एक पनीर का पराठा खाया, लेकिन स्वादिष्ट काफ़ी था ना बहुत ज़्यादा। हम लोगों का फुल पैक। अब देखते हैं कहाँ रुकेंगे लंच के लिए। अभी बज गया मॉर्निंग में करीब 9, मतलब आधा घंटा हमने थोड़ा रेस्ट किया, थोड़ा गाड़ी को रेस्ट मिला थोड़ा। हमको निकलते हैं यहाँ से शाहजहाँपुर बरेली के लिए, क्योंकि शाहजहाँपुर यहाँ से 10 किलोमीटर है और बरेली वहाँ से करीब 80 किलोमीटर और है। That crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose, it fits some loose shit. A stupid myth, you choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift, oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? तो दिन के 11:30 बज गए, हम लोग पहुंच चुके हैं बहेड़ी। मगर आज गाड़ी के स्पीड बिल्कुल सही मिली है, नाश्ता सुबह का ना भरपूर हो गया था। नाश्ता भरपूर होने की वजह से ना भूख लग रही है ना कुछ, हाँ हल्की हल्की बीच में झपके आ जाते हैं। तो निहारिका के कान की तरफ तो निहारिका भी गुस्सा होकर बैठ जा रही है, तो उससे क्या होगा, मेरी नींद सही जा रही है इसे मनाने में। तो अभी फिलहाल हम लोग पहुँचे बहेड़ी, यहाँ से करीब नैनीताल है 100 किलोमीटर, यानी बरेली से पूरा 100 किलोमीटर नैनीताल है। आज का डेस्टिनेशन इतना ही है कि 100 किलोमीटर नैनीताल बहुत है, मतलब पूरी गाड़ी 750 किलोमीटर चल जाएगी लखनऊ से नैनीताल तक। तो अपना क्या होगा कि आज का रास्ता नैनीताल कर लेंगे, फिर कल को आगे का रास्ता देखेंगे, क्योंकि चलाने का मैं चला लूँगा, मतलब घर तक पूरा पहुँच जाऊँगा। लेकिन निहारिका ने नैनीताल नहीं देखा, वरना मैंने कहा थोड़ा, मैंने कहा हम लोग पहाड़ के लोग हैं और मेरी वाइफ ने नैनीताल देखा हुआ, तो फिर क्या होता। इतने कई लोग के मुँह से थोड़ा नैनीताल ऐसा नैनीताल ऐसा, फोटो में मैंने नैनीताल दिखा दिया, लेकिन अब जैसे आज रियल में दिखाना है। तो देखो सामने दिखने लग गया पहाड़, हम लोग पहुँच गए हल्द्वानी। यहाँ से मतलब एक होता है जो खुशी मिलती है ना, वैसे तो उत्तराखंड हो जाता है स्टार्ट फुलबट्टा से, लेकिन जैसे ही हम लोग हल्द्वानी पहुँचते हैं पहाड़ देखने स्टार्ट होते हैं, तब लगता है कि हाँ भैया मंजिल बिल्कुल नज़दीक है। तो क्या है कि बरेली तक तो हम लोग बिल्कुल टाइम पे आ गए, बरेली से लेके हल्द्वानी आने तक ना, एक तो ये रोड की कंडीशन इतनी कुछ खास नहीं है, ये जो किच्छा से लेके यहाँ तक रोड है हल्द्वानी तक तो बहुत ख़राब है, क्योंकि अभी पिछले कई साल से काम चल रहा है, इसमें अभी तक काम अभी तक हुआ नहीं है। और सेकंड थिंग क्या है कि बीच में शहर पड़ते हैं, शहर में क्या है ट्रैफिक है, लाल कुआ है, किच्छा पड़ा, क्या गौरा पड़ा पड़ा, तो ऐसे करके उसमें ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है। तो फिलहाल हम लोग पहुँच गए हल्द्वानी। अभी मैंने क्या फुल टैंक करवाया फिर से गाड़ी का, जब मैं लखनऊ जा रहा था तो 3000 रुपये का तेल डाला था मैंने, अभी वापस मेरे को इसमें मतलब 2200 रुपये का तेल डाला पड़ा, यानी कि 800 रुपये का तेल बचा, यानी कि लखनऊ से हल्द्वानी आने में 2200 रुपये का तेल पूरा लग गया। तो अभी हमको निकलना है नैनीताल, अभी देखते हैं हल्द्वानी में, क्योंकि आज क्या है यहाँ ट्रैफिक डाइवर्ट भी हुआ था, क्योंकि तो अगर ट्रैफिक डाइवर्ट होता है तो ठीक है, तो भी बाईपास जाना पड़ेगा। अगर शहर के अंदर जाने का मौका मिलेगा तो थोड़ा बहुत घर वालों के सामान भी खरीदना पड़ेगा। वो ऊपर सामने हमारी मंजिल है ऊपर नैनीताल, तो अभी कहीं लंच करेंगे हम लोग करेंगे, लेकिन पहाड़ पर पहुँच के, यहाँ नहीं करेंगे कहीं पर लंच। तो सर पर आप जो ये देख रहे हैं ना कालांगटी का, ये है आपके जो मंदिर है कालडूंगी चौराहे पर आलू सेहत वाला, तो वहाँ से मंदिर से ये टीका लगाया मैंने, क्योंकि हम लोग पहले हर शनिवार जाते थे जब हल्द्वानी में रहता था, लेकिन आज मतलब मौका मिला वहाँ पे पार्किंग का थोड़ा स्पेस था, मैंने कहा निहारिका जल्दी ले जाओ और थोड़ा पूजा कर लेते हैं यहाँ पे।
तो अब हम लोग पहुंच गए हैं काठगोदाम, ये सामने है पूरा काठगोदाम का रेलवे स्टेशन, इसके पीछे साइड में पूरा। और यहाँ से देखिए, यहाँ से स्टार्ट दिखने लग गया है पहाड़ बिल्कुल एकदम से। तो आपको मतलब कहीं भी दिल्ली से आना हो, लखनऊ से आना हो, तो हर जगह से अवेलेबल है ट्रेन। काठगोदाम जो लास्ट स्टेशन है, मतलब यहाँ के बाद आगे कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, लास्ट रेलवे स्टेशन ही है। और पूरे इंडिया का सबसे साफ रेलवे स्टेशन उसको बोला जाता है। और मतलब यहाँ का मौसम भी थोड़ा अलग है, जैसे हल्द्वानी में थोड़ा गर्म होता है, लेकिन काठगोदाम थोड़ा ठंडा है मतलब उसका मौसम। तो फिलहाल हम लोग अभी पहुँचे हैं काठगोदाम में, आपको पता चल गया। तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं नैनीताल की ओर को। नैनीताल की जो दूरी है यहाँ से वह है करीब 35 किलोमीटर। तो 35 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ेगी हम लोग को, और उसमें करीब एक घंटा हमको लगेगा क्योंकि आज क्या है कि लास्ट मतलब वो है कि वीकेंड है, वीकेंड में थोड़ा ट्रैफिक रहता है नैनीताल की ओर को। ऊपर आसमान में बादल भी दिखाई दे रहे हैं, तो ऊपर मेरे ख्याल से मे भी ठंडा हो। अभी तो हम लोग टी शर्ट पर घूम रहे हैं, लेकिन नैनीताल का आपको पता ही है, नैनीताल का मौसम कभी बदल जाता है। तो देखते हैं ऊपर क्या हालात है। अभी करेंगे लंच कहीं पहाड़ पे, और दिखाएंगे आपको पहाड़ी खाना क्या। तो रास्ता हो गया भैया जाम, देखो पुलिस की गाड़ी भी ऊपर जा रही है। एक क्या हो गया ना, एक कोई कैंटर पलट गया, पुलिस वाले पूछ रहे थे, एक कैंटर पलट गया। तो कैंटर पलटने की वजह से बहुत लंबा जाम लग गया, और ये जाम खुलना नहीं है क्योंकि ऊपर से भी गाड़ियां हैं, नीचे से गाड़ियां हैं। ऊपर से रास्ता है नैनीताल का, है ना, आजा इनको बैठा दो, नीचे जाना है। जब नीचे लौटे तो फिर लोग आ रहे थे बेचारे पैदल, फिर दो अंकल थे बुढ़े, तो मैंने कहा तो इनको लिफ्ट दे देता हूँ। फिर क्या हुआ कि वो हमारे साइड के ही निकले, मतलब उस साइड पर आते हैं मकान कहानी जो हल्द्वानी में, तो वो भी ऐसे कुटरे उटरे लेके गडेरी वटर लेके हाथ नीचे को, दिवाली के टाइम पे नीचे को दिवाली बनाने आते हैं। तो फिर अब हम लोगों ने पकड़ लिया है हल्द्वानी से काला ढूंगी वाला रास्ता, क्योंकि अब उस रास्ते तो हम लोग जा नहीं पाएंगे क्योंकि वो दोनों रास्ते हो गए हैं। एक साइड वाले रास्ते में काम चल रहा है, दूसरे रास्ते में जो रास्ता खुला था उस पर चल रहा है आपका टैंकर गिर गया। तो उसमें दो कैजुअलिटी हो गई है, लोग बता रहे थे मतलब कि ड्राइवर कंडक्टर था दोनों मर गया। अब वो पेट्रोल का था तो इसलिए रास्ता पूरा कुछ बंद हो गया। हम पीछे थे तो वापस बैक करके ले आए, अभी लोग बैक करेंगे उसके बाद लेके आएंगे, बहुत दिक्कत होगी। तो ये अभी वाला रास्ता मैंने भी नहीं देखा, रास्ता काला ढूंगी, मैं कभी रास्ते भी नहीं गया। अभी फिलहाल ये यहाँ से रामनगर तो गया हूँ, काला ढूंगी देखा मैंने कहाँ पर, लेकिन ये रास्ता ना कभी आज तक मेरे ब्लॉग में आया होगा और ना आपने मैंने खुद भी देखा है। तो आज ये मिलने भी तो आश्चर्य हो गया कि चलो ये वाला रास्ता भी देखने को मिल जाएगा आज, ये भी किस्मत की बात होती है। तो अब देखते हैं हम लोग काला ढूंगी से नैनीताल वाला रास्ता, जो मेरे लिए भी नया है और आपके लिए भी नया है, तो आज और मज़ा आएगा जाने में। तो आप ये रास्ता देख रहे हैं ना, जो ये रास्ता मेरे को मतलब सबसे खूबसूरत लगा, कि मैं बहुत बार रामनगर इस रास्ते गया, इस रास्ते में जो छांव है ना वो मेरे आज तक मतलब किसी भी रास्ते में नहीं दिखाई दी। लेकिन निहारिका लोग के गांव में मतलब जब जाते हैं तब थोड़ा बहुत छांव मिलती है, ऐसे रास्तों में निगासन वाला जो रास्ता है उसमें छांव मिलती है। बाकी मतलब अब तो पेड़ लोगों ने हाईवे बना, मतलब गवर्नमेंट ने हाईवे बनाने चक्कर में पेड़ ही गायब कर दिए हैं। लेकिन इस रास्ते में आप गर्मी के टाइम में भी आओगे ना तो आपको मतलब कभी भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ना आपको सनबर्न होने वाला है ना आपको गर्मी लगने वाली है, इस रास्ते की खूबसूरती है। तो अभी हम लोग काला ढूंगी पहुँचने वाले हैं, काला ढूंगी है करीब यहाँ से 5-6 किलोमीटर और बचा हुआ, और रास्ते का मज़ा ले रहे हैं, पूरा लुत्फ उठाते हुए जा रहे हैं। थोड़ी यहाँ की नीची रोड ना ऊँची नीची होती है, ऊँची नीची मतलब दिखाई नहीं देता है, लेकिन थोड़ा बहुत लेवल का ऊपर नीचे रहता है ऐसे, तो ऐसा रहता है कि झूले में बैठे हुए हैं, गाड़ी में भी लगता है कि झूले में बैठे हुए हैं। तो हम लोग पहुँच गए काला ढूंगी वाला, हमने क्रॉस कर लिया। काला ढूंगी को बोलते हैं कॉर्बेट का शहर, मतलब जिम कॉर्बेट पार्क जिसके नाम पे फेमस है उसे कॉर्बेट का शहर भी से बोलते हैं, छोटी हल्द्वानी बोलते हैं। यहाँ से मतलब मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पे कॉर्बेट पार्क है रामनगर वाला। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं यहाँ को कभी नैनीताल की ओर, तो आप लोग अपना ऐसा डेस्टिनेशन आ सकते हैं काला ढूंगी वाया नैनीताल, ऐसे होता ऐसे भी आप लोग आ सकते हैं। तो ये रोड मुड़ गया, देखो यहाँ से काला ढूंगी से सीधे सामने चला गया रामनगर की ओर को, और ये हम लोगों ने टर्न किया है, ये हम आ गए नैनीताल रोड पे। अभी इस वाले रास्ते पे कुछ दिक्कत ना हो भगवान की कृपा से, क्योंकि उस साइड में जाम में फंस गए थे। अभी तो हमने खाना भी नहीं खाया हुआ है,
अभी पहाड़ी खाना खाने का मन कर रहा है। अभी पहाड़ी खाना शायद ऊपर साइड में जैसे पहाड़ स्टार्ट हो गया तो मिल जाएगा। तो रास्ता देखिए कैसा है यहाँ का खूबसूरत। Mercy in this world, just hunger thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens. तेरा मेरा बाट चली रे मोटर चली सारा रा पुआ पुआ चली रे मोटर चली। वही वाला गाना याद आ रहा था याला वो नरेंद्र सिंह नेगी जी का गाना है ना गढ़वाली। तो इसी रास्ते में कार्डिंग रास्ते में हम लोग रुके रोड के किनारे। यहाँ पे रोड है और साथ में एक वाटरफॉल है यहाँ पे जो निकलता है आपका सरिता लेक से। वो वाटरफॉल निकलता है सरिता लेक से, इसकी एंट्री है करीब 50 रुपये। तो इसी वाटरफॉल को देखने के लिए मैंने कहा निहारिका को कैसा लग रहा है। आवाज़ पानी की बहुत ज़्यादा है, निहारिका की कम आ रही है। तो वाटरफॉल मैंने कहा निहारिका को एक वाटरफॉल दिखा देता हूँ तो ये खुश हो जाएगी, इसने आस्ते आस्ते कभी देखा नहीं। तो काफ़ी मज़ेदार है, कभी आप आ रहे हो तो 50 रुपये खर्च करने पड़ेंगे 2-3 फोटो खिंचवाने के। थोड़ा ऊपर तक ऐसे हिरन वगैरह बने हुए हैं इस पार्क में, तो काफ़ी अच्छा है। तो कैसा लगा तुम्हें वाटरफॉल? बहुत अच्छा। तो हम लोग सरिता लेक में पीछे बिल्कुल है, खुरपा ताल भी रास्ते में पड़ा था लेकिन मैंने आपको दिखाया नहीं, ऊपर टॉप पर जाके दिखाऊंगा। मतलब क्या है कि ऐसे आप इस रास्ते आओगे तो इस रास्ते आपके मतलब कार ढूंढने वाले रास्ते आके 2-3 डेस्टिनेशन आपके हो जाएंगे कवर। तो नेक्स्ट वाले दिन के लिए आपका सिर्फ नैनीताल के अंदर के प्लेस बचेंगे और इधर को आप इतना नीचे ऊपर उतरना आपका ये मतलब खत्म हो जाएगा। इस रास्ते आके फायदा, अगर बाई चांस हम लोग अभी जिस रास्ते पहले जा रहे होते अगर उसी रास्ते हम लोग जाते तो कल सुबह हम लोग को पहले वहाँ नैनीताल सब जगह घूमते फिर यहाँ नीचे आते और फिर हमको लगता कि हम क्या बोलते हैं कल ही को ये घूम लेना था, ये हम सोचते। तो मैं आपको बताऊँ बेस्ट प्लेस है कि कार ढूंढी वाला रास्ता पकड़ लो नैनीताल आने के लिए अगर दिल्ली से आ रहे हो, और ये जाते वक्त घूम लो और आते वक्त जाते वक्त वहाँ से नीचे उतर जाओ, बस हो गया आपके डेस्टिनेशन इधर के पूरे हो जाएंगे और उधर वाले रास्ते में कोई डेस्टिनेशन है। बोलो बोलो बोलो। खुरपा ताल हो गया है बादल का ताल। तो नीचे यहाँ पर खुरपा ताल था, मैंने कहा नहर का ऐसा नीचे ताल गया था। और बोलते ना नैनीताल का मौसम का कोई भरोसा नहीं है। अभी ना गर्मी थी, हमको लगा था कि गर्मी होगी नैनीताल धूप होगी, लेकिन देखो फिर से पूरा मौसम चेंज हो गया, नीचे पूरे बादल आ गए। उम्मीद है कि खुरपा ताल दिख जाएगा यहाँ से कुछ देर बाद अगर ये बादल हटेंगे। ऐसा टाइमलेस बन सकता है लेकिन इतना टाइम ही नहीं है कि टाइमलेस बनाने का। चले फिर अभी हमको होटल भी लेना है। अब नैनीताल में होटल लेना सबसे बड़ी महाभारत है, यहाँ बार्गेनिंग बहुत करनी पड़ती है। एक तो ये तो एरिया है, हमने अभी नैनीताल पहुँच ही चुके हैं। तो यहाँ से मतलब एक पॉइंट था खुरपा ताल के साथ फ़ोटो खिंचाने वाला, तो वो हमारा क्या है फ़ोटो हमारी आ नहीं पाएगी। हम लोग नैनीताल देखो यहाँ क्या है 1 वे ट्रैफिक है और 6 बजे के बाद यहाँ मालरोड में गाड़ी की एंट्री नहीं हो पाती ना, तो इसलिए हमने 6 बजे से लेकर 8 बजे तक ना इसमें गाड़ी की एंट्री नहीं रहती क्योंकि लोग यहाँ पर घूमते हैं। तो हमने कहा था 5 बजे से पहले गाड़ी की मालरोड में एंट्री करते हैं और अपने होटल ढूंढते हैं अपने लिए। तो पहले होटल ढूंढते हैं उसके बाद मिलते हैं। अभी हल्का हल्का आपको व्यू नैनीताल का दिखा देता हूँ टेलर के तौर पर, फिर बाद में पूरा नैनीताल दिखाएंगे। ये किनारे किनारे नैनीताल लेक भी चल रही है। इस वाली जो रो है ना इसमें होटल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आते हैं। अभी हम लोग पता करके देखते हैं कहीं अगर होटल मिल जाए सस्ता है इस रूम में, क्योंकि अलका होटल का मैंने रेट देखा था ये 3,500-4,000 रुपये। होटल एवरेस्ट भी सेम टू सेम इसी 4 रुपये है, तो इसमें सस्ता तो मिलेगा नहीं। तो हम लोग जू रोड ली है और ले लिया हमने, ये लेक है सामने इधर पे पूरी, यहाँ से लेक व्यू वाला हमने रूम लिया है। अब इसके ना ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं लेक व्यू के, 100 रुपये ज़्यादा पड़ेंगे। तो 2100 में मैंने इसमें बार्गेनिंग करी। मेक माई ट्रिप में थी 2200 रुपये, टिवागो में थी करीब 2400 रुपये, फिर अपने पहाड़ी भाषा बोल चाल के इस्तेमाल करके मैंने 2100 बात किया। मैंने कहा कि कैश देना पड़ेगा, 2100 में हो जाएगा। तो अभी ATM जाना पड़ेगा कैश निकालने के लिए। तो कैसा लगा रूम? अच्छा। अरे सफ़र अच्छा। नैनीताल कैसा लगा? अभी घूमा अभी घूमा नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आदि ब्लॉग के साथ। अभी नेक्स्ट वाले ब्लॉग में यहाँ शाम का मार्केट जाएंगे हम लोग घूमने के लिए। अभी दिन शाम के हम लोग यहाँ पर 6 बजे 5:30 बजे में पहुँच गए, 6 बजे हम लोग निकलेंगे और माल लोड के आपको व्यू दिखाएंगे माल लोड कैसी है यहाँ की, और साथ में यहाँ का जो फूड टाउन है, और साथ साथ में अगर मंदिर अगर जाने का मौका मिला तो मंदिर भी जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आदि ब्लॉग के साथ। जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, फैला देना बिल्कुल।
मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।